भोजपुर में बर्थडे पार्टी में नाच के दौरान ठाए ठाए डांसर सहित दो लोगों के हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली, पटना रेफर। बिहार में इन दिनों हर्ष फायरिंग का मामला लगातार सामने आ रहा है। लाख कोशिश कर ले पुलिस प्रशासन, इसके बावजूद भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भोजपुर जिले के संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव इलाके का है, जहां बीती रात सलेमपुर गांव में आयोजित बर्थडे पार्टी में नाच प्रोग्राम के दौरान गोली चली, जिसमें दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार जख्मी डांसर उड़ीसा के भुवनेश्वर निवासी नीनू बेहरा है, जबकि गायक पटना जिले के धनरुआ थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव निवासी मुकेश यादव। इधर डांसर नीनू बेहरा ने बताया कि वो संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में पसंस के पुत्र के बर्थडे पार्टी समारोह में डांस करने एवं उनके साथी मुकेश यादव गाना गाने आए थे। इस दौरान गांव के ही कुछ लोग शराब के नशे में हाथ में हथियार लिए हुए स्टेज पर चढ़कर डांस कर रहे थे और बार बार उसे नीचे बुलाकर डांस करने के लिए कह रहे थे, जिसको लेकर उसने इसका विरोध भी किया। हालांकि बात वहीं पर खत्म भी हो गई थी। इसके बाद दोनों बर्थडे पार्टी समारोह समाप्त होने के बाद वापस संदेश लौट रहे थे। उसी दौरान जनईडी गांव के समीप हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें बीच रास्ते में घेर लिया और कहा कि तुम लोग हमें नहीं जानते हो। जब उन्होंने कहा कि हाँ मैं नहीं जानता, तभी उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी, जिनमें दो लोगों को गोली लग गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद वे लोग जहां बर्थडे पार्टी में आए थे उन्हें फोन कर इस घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना पाकर वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले आए, जहां से प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। हम प्रोग्राम में जा रहे थे तो प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, उनके कुछ मतलब लड़के लोग अचानक से आए, पिस्तौल वगैरह सब लोग पकड़े हुए थे। फिर वो हमारे साथ नाचने भी लगे, फिर पिस्तौल भी हम लोगों को पकड़ाया उन लोगों ने, फिर बोले कि पास में आके नाचने के लिए, तो हम लोगों ने उसके लिए मना कर दिया कि नहीं नाचेंगे। तो फिर कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहे। जब हम आते वक्त तो ये और जो थे वो लोग आगे चल रहे थे, ये और हम पीछे जा रहे थे, तो हमें अटका के बस इतना बोला कि हमें पहचानती है, हमने बोला नहीं, तो गोली मार दी उसने हमको और उसको। आप लोग कैसे आ रहे थे? बाइक से आ रहे थे हम लोग। किस जगह पे प्रोग्राम कर रहे थे? प्रोग्राम वो तो जगह नहीं पता है हम, क्योंकि हम लोग तो यहाँ के हैं नहीं ना। कौन आप लोग को बुलाया था यहाँ? आराम, ये तो हमारा मालिक है। कहाँ के रहने वाले हो? उड़ीसा से है। उड़ीसा से? क्या नाम है? नीनू। तो अचानक मैंने हथियार के बल पे डांस कर रहा था लोग जी, वहाँ कुछ बात विवाद भी हुआ क्या? हाँ, तो ऐसा हुआ था, मतलब इतना ज्यादा नहीं हुआ था, बस इतना खींच रहे थे, तो हमारे मालिक ने जाके मना किया कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो उन लोगों ने मना किया, तब वो लोग बैठ गए, हम नीचे भी नहीं गए, ऊपर ही डांस कर रहे थे, तब से वो मतलब शांति बैठे थे, फिर आते वक्त ये सब किया उन लोगों ने। कितने लोगों को गोली लगी? हमें और हमारे मालिक को। दो लोगों? वो गायक है क्या? हाँ, गायक है, मालिक थे। मामला ये था कि मतलब प्रोग्राम हो रहा था, तो प्रोग्राम हो रहा था तो हम साइड में बैठे हुए थे, बहुत बैठ के देख रहे थे, और एक लड़का था उसी घर का, वही लड़का का ज़्यादा देख रहे थे, वो लोग से ज़्यादा बोल चाल रहा था। एक लड़का घर का, जिसके घर में बर्थडे था, उस घर का साला था, वो उसका ज़्यादा हेल मेल था वो लड़कन से, जिसने गोली हम लोग को मारा। उस संदेश में गांव बोलता है जोकटा, खाली नाम है, सलेमपुर नाम है, संदेश थाना में पड़ता है, वहाँ पे तो चल रहा था, तो लड़कन लोग पिस्तौल लेकर नाच रहा था, तो मैं दूर से बैठ के देख रहा था, उतना तक ठीक था, लेकिन फिर जब नीचे बुला के एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं जाके बोले भाई बार बार क्यों नीचे बुला रहे? तो इतने पे फिर हमको सब बोला कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बैठिए ना, आराम से बैठिए, आप कोई दिक्कत नहीं, तो हम बैठ गए। तो फिर इससे ना जाने कुछ बोला लड़कन लोग, तो बोला तो फिर कुछ बोला, तो फिर वही आया रास्ता में, वही लगे घेर लिया। अभी कोचिंग जाते समय रास्ता में उधर से नहीं, आते समय प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। उसके बाद वहाँ से 1 किलोमीटर आए ना, तो पता है जहाँ घटना हुआ। हाँ, वो बोलता है उस जनेई पर, बोलता है जनेई पर के थोड़ा सा बहुत 200 मीटर ऐसे आगे पीछा कर रहा था क्या? हाँ, वो लोग रोके हुए था रास्ता में। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 6 गो ऐसे, 5 गो 6 गो थे। सबके हाथ में हथियार था? नहीं, 2 गो हथियार था, बाइक से था। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद वो लोग वहाँ पे रोका हुआ था, मुझे डाउट हुआ तो मैंने जो हम लोग को प्रोग्राम वहाँ पर ले गया था बुक करवा के, उनको हम बोले कि देखिए वो लोग रुका हुआ है, मत चलिए हम लोग, ठीक ना, हम लोग लौट जाइए, बोले थे ना, बोले थे तो कि लौट जाइए, तो कि नहीं चलो ना, हम समझ नहीं लेंगे कुछ करेगा, चलो। तो हम सोचे कि कह ही रहा था चलो, तो वहाँ गए, तो वहाँ से हम लोग चलते रहे। एक लड़का गया स्पीड में गाड़ी ले गए, वो आगे जाके रोक दिया तो हम लोग को भी रुकवा दिया, तो रोक दिया था, रुक गया, वो देखे कि गोली भर रहा था। आके इसको बोला कि तुम बहुत स्मार्ट बनती हो, इसको बोला, पहले इसको मारा, फिर हम बोले तो हमको मारा। कितना गोली लगा है इसको? एक गोला। आप गायक हैं? हाँ, हम गाना गाते हैं, भोजपुरी गाना। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश यादव। तो आप ही पार्टी चलाते हैं? जो हम ही पार्टी चलाते हैं। घर कहाँ है आपका? मेरा घर संदेश। भोजपुर न्यूज़ के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज़ ऐप को इंस्टॉल कीजिए।